हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 71 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, जिसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंद महासागर में स्थित है, यहाँ पे कुछ गर्त थे जिनका आंसर मैंने डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट शुरू करते हैं 72 से। सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, या फिर पश्चिमी यूरोप के निकट, या सहारा मरुस्थल के निकट। तो सार्गेसो सागर है क्या? तो आपको बता दें, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सागर के अंदर, अगर जो सागर कौन सा है, सागर के अंदर सागर, क्योंकि इस सागर का कोई समुद्री तट नहीं है, मतलब कोई जमीन वाली रेखा नहीं है, तट रेखा, ये समुद्र के बीचों बीच एक सागर है, घास का सागर, जिसको सार्गेसो सागर कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। अभी आंसर है इसका उत्तरी अटलांटिक महासागर में, प्रशांत यूरोप, या सहारा मरुस्थल के निकट। इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सार्गेसो सागर दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है, यानी कि ये जमीन से नहीं लगती है, ये समुद्र के अंदर ही स्थित है। सार्गेसो सागर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम से घिरा हुआ है, और इसका नाम सार्गासुम नामक समुद्री शैवाल के अवशेषों से मिला है, जो कि 16वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ताओं के द्वारा पाया गया था। उस समुद्र के अंदर सार्गासुम जो समुद्री शैवाल है, ये शैवाल से ही बना हुआ एक जगह है जिसको हम लोग सार्गेसो सागर जानते हैं। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, या फिर सिक्किम? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें से सिक्किम होगा। सिक्किम आप लोग को पता होगा भारत के यहाँ पर उत्तर भारत में स्थित है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम हम लोगों का आंसर है, ये आपका म्यांमार के साथ नहीं लगता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर लगता है। इसके साथ साथ एक राज्य है त्रिपुरा, वो भी म्यांमार के साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? काजू के छिलके से, चीड़ के पेड़ से, यूकलिप्टस, या सिंकोना का पेड़। आप लोग जानते होंगे तारपीन, मतलब कुछ लोग इसको नशे के रूप में भी यूज़ करते हैं, और ये जो पेंट थिनर का काम करता है, पेंट का काम जहाँ पे होता है वो लोग तारपीन का तेल रखते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है आपका चीड़ के पेड़ से, यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, चीड़ का पेड़, या फिर जो पाइन होता है उसके, पाइन के पेड़ से भी ये प्राप्त होता है। तारपीन का तेल सगंध वाष्पशील गैस है, वाष्पशील तैलों में इसका स्थान सर्वोपरि है। यह चीड़ आदि, चीड़ या फिर पाइन हो गया, आदि जीवित वृक्षों से प्राप्त रेजिन के आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं झूम खेती के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार और कई तरीके से पूछता है। तो यहाँ पे खेती का जो झूम विधि है का व्यवहार हुआ करता है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, या फिर नागालैंड में। तो हिमाचल में नहीं, यहाँ पर ए नहीं है, झूम खेती यहाँ पर नहीं होती। मध्य उच्च भूमि यानी कि जो हम लोगों का पठार जिसको बोलते हैं, इसमें भी नहीं, तटीय तमिलनाडु में भी नहीं, ये डी ऑप्शन सही है, नागालैंड में। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, इन सब जगह पे झूम की खेती का व्यवहार हुआ करता है। अब झूम की खेती है क्या, इसके बारे में देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल है। खेती के इस तरीके को झूम खेती के नाम से जाना जाता है, इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि वनों को काट करके 4 या 5 साल के लिए वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं, फिर उसको छोड़ करके बाकी के जो होते हैं जंगल, उनका सफाया करके इसको किया जाता है। झूम खेती पर्यावरण के लिए विनाशकारी माना जाता है, क्योंकि जंगल के विशाल क्षेत्रों को साफ कर दिया जाता है खेती के लिए, और जला दिया जाता है ताकि खेती कम से कम 3-4 वर्षों तक लगातार की जा सके। इसीलिए जलाने की वजह से स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ये आपका दर्रे से रिलेटेड है, जोजिला, नाथुला, लिपुलेख, या शिपकीला। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, भारत के किस राज्य में स्थित हैं। अभी पूछा है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिपकीला। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है हम लोगों का, शिपकीला दर्रा से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। शिपकीला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है और सीमा स्थान है। सतलज नदी शिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी से अभी वीडियो री एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी पूछा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वहाँ पे पूछा है देवताओं की घाटी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है, मैंने सॉल्व भी करवाया है वीडियो के एग्ज़ाम में। यहाँ आई बटन में मैं उसको दे दूँगी, आप जा करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे
क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि करंट से भी रिलेटेड है और जीएस के बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, अंगूर, आलू, सेब या फिर स्ट्रॉबेरी। तो जो कुल्लू घाटी है ये आपका प्रसिद्ध है सेब की खेती के लिए, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, सेब की खेती वहाँ पर भरपूर मात्रा में की जाती है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। आइए इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड भी कुछ हटके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो अभी क्वेश्चन है वो सेब का उत्पादन। और कहाँ, किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये व्यास नदी के किनारे पर स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से या देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी आप लोग जानते होंगे उत्तराखंड में, अब ये देवताओं की घाटी है। लौंग या क्लोव होता है, क्या होता है, तने की गांठ होती है या फिर जड़ की गांठें होती हैं, पत्तियां होती हैं या फिर सूखे फूल। तो जो लौंग होता है, क्लोव, आप लोग उसका आकार देखते ही होंगे, ये फूल होता है, कली होती है, वो सूखी होती है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, सूखे फूल। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। लौंग एक पेड़ की सुगंधित सूखी पुष्प कलिका है, मतलब ये कली ही है। लौंग की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अगर जो क्वेश्चन पूछे तो ये इंडोनेशिया से हुई है। पैदावार मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो जाहिर सी बात है इंडोनेशिया से उत्पत्ति है, तो इंडोनेशिया। इसके बाद मेडागास्कर, जांजीबार, पाकिस्तान, श्रीलंका में की जाती है। इसे भारत में लवंग बोलते हैं, लौंग या लवंग बोलते हैं, उगाया जाता है। लौंग की सुगंधित और एंटीऑक्सीडेंट गुण किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये यूजेनॉल की उपस्थिति के कारण होता है जो कि दर्द निवारक के रूप में यूज़ करते हैं। अक्सर दांतों में दर्द या दांतों में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग लौंग का तेल यूज़ करते हैं दर्द को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख किस नदी पर, मुहाने पर स्थित है। अब ये आप लोग सुने होंगे नदियों का होता है डेल्टा, ये ज्वार नदी मुख क्या है इसके बारे में, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्चुरीज, तो ये एस्चुरीज है क्या, और इसका पहले आंसर देखते हैं, हुगली, नर्मदा, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो भारत की दो नदियां हैं जो ज्वार नद मुख यानी कि एस्चुरीज बनाती हैं, वो है नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पर हम लोगों का बी ऑप्शन सही होगा, नर्मदा सबसे बड़ा ज्वार नद मुख बनाती है। और ये आंसर है, अब ज्वार नद मुख देख लेते हैं, सपोज़ यहाँ पर ये सी है, अब यहाँ पर नदियाँ मिलती हैं तो डेल्टा बनाती हैं, यानी कि वो कई धाराओं में विभाजित हो जाती हैं और अपने साथ लाए हुए जितने गाद होते हैं या कीचड़ होते हैं यहाँ पर वो डालती चली जाती हैं। लेकिन जो एश्यूरीज होती हैं वो एक फनल के आकार का होता है, यानी कि कोई नदी बह करके आई और वो बिना गाद गिराए समुद्र में सीधे मिल जाती है, एक फनल के ही आकार में, इसकी कोई शाखाएं नहीं होती हैं। और दूसरा जो एश्यूरीज बनाने वाली नदियां होती हैं उनकी ये खासियत होती है, वो कभी भी मैदानों का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि उनके साथ मिट्टी या अन्य अवशेष बह करके नहीं आते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, नासिक, पुणे, मुंबई या फिर शोलापुर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, ये भी उद्गम स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन है, नासिक, पुणे, मुंबई या फिर शोलापुर। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, नासिक। अब इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल हम लोग देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र की नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, महासागरीय जल में लवणता घटती है जब, यहाँ पर दिया हुआ है वाष्पीकरण अधिक हो जाए या फिर पवन वेग उच्च हो या वर्षा भारी हो या नमी उच्च हो। इसमें से आप लोग गेस कर ही लिए होंगे, सी ऑप्शन सही होगा, जब वर्षा भारी हो यानी कि उसको ताज़ा जल मिले तो वहाँ पर उसकी लवणता जो है वो कम हो जाती है। इसी को कई टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि दोनों ध्रुवों पर लवणता कम होती है या फिर ज़्यादा होती है तो समुद्र में, या फिर नदियों के पास या नदियों के मुहाने पर लवणता कम होती है या ज़्यादा होती है, या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है या विषुवत रेखा पर महासागरीय जल में लवणता कम है या ज़्यादा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। आइए इसके बारे में अब हम लोग डिटेल देखते हैं जो कि क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछता है, भूमध्य रेखा के पास और दोनों ध्रुवों पर लवणता स्पष्ट रूप से कम होती है, कहाँ कहाँ पर, दोनों ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा के पास, क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगातार सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर ताज़ा जल मिलता है और लवणता कम हो जाती है, परिणामस्वरूप समुद्र में गिरने वाला ताज़ा वर्षा का जल उस क्षेत्र के सतही जल की लवणता को कम कर देता है। अब सतही जल यानी कि पानी के ऊपर, ये पानी है, बारिश हुई तो ये ऊपर जल हमको लवणता कम मिलेगी। आपको बताते जाएँ, समुद्र में जितना खारा पानी है वो गहराई की तरफ ज़्यादा होता है और जो कम खारा होता है
है वो ऊपर की तरफ कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा से आगे वर्षा कम होती है और कम वर्षा के कारण अधिक धूप से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। समुद्र से वायुमंडल में जल वाष्प के वाष्पीकरण के कारण नमक बच जाता है जिसके परिणामस्वरूप लवणता बढ़ जाती है। ध्रुव की ओर की बात करते हैं तो पिघली बर्फ से ताज़ा पानी सतह की लवणता को एक बार फिर से कम कर देता है, यानी कि दोनों ध्रुवों की तरफ भी हमें लवणता कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आज हम 10 ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि नेटवर्क थोड़ा डाउन है, इसलिए लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। आज आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, पता करना है कि निम्न में से कौन सा सागर सबसे खारा है, कैस्पियन, काला, बाल्टिक या फिर भूमध्य सागर, और साथ ही साथ ये कहाँ पर स्थित है जो सबसे खारा सागर, यानी कि यहाँ पर आपको समुद्री लवणता के बारे में पता करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आंसर के साथ क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।